हेलो बच्चों, तो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर लेकर हम आए हैं और ये आइसोमेरिज्म सीरीज का 10th वीडियो है। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री के होने पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री के होने पर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो आज हम बहुत डीप में जाके आए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, उसके अंदर काइरल सेंटर का क्या रोल होता है, और लेक्चर के एंड में आज एक नया टॉपिक डाया स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें। मैं उसका कंटेंट बता दे रहा हूं, शायद आप वो चीज पहले से पढ़ चुके हो। मैंने उसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने इनेंशियोमर्स पढ़ाया है, मैंने कायरालिटी डिस्कस की है और मैंने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के बारे में बताया है। मैं उन चीजों को जल्दी से यहां रिकैप करूंगा, अगर आपका वो देखा हुआ है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। आपको अगर सीधा क्वेश्चन चाहिए तो आप सीधा अंडरस्टैंडिंग COS और POS तक पहुंच जाइएगा। सो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला, और पेन और कॉपी ले लें और हेडिंग लगाएंगे आप सबसे पहले। अच्छा, कुछ हेडिंग मत लगाइए, मैं पुराना थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ कुछ चीजें, देखो इस बहुत जरूरी है वरना सर के ऊपर से निकल जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि ये एक लाइट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इस लाइट को कुछ सब्सटेंस रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। जो रोटेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को, यहां मान लो कोई सोल्यूशन है इस ट्यूब के अंदर, कोई कंपाउंड है जिसने PPL को रोटेट किया, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। मतलब लाइट पे, प्लेन पोलराइज लाइट पे इनका कुछ असर पड़ता है, ये हमें पता चला पिछले लेक्चर में। फिर हमने कहा कि ऑप्टिकली एक्टिव टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, दुनिया के सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन PPL को रोटेट करेगा ये जानने के लिए आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कायरालिटी। कायरालिटी का मतलब मैंने आपको बताया डायसिमेट्री, मतलब जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, जिस कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं होगी, जिस केमिकल कंपाउंड में, वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। हमने ये भी कहा था ऐसे कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, यानी इनकी मिरर इमेज पे इनको हम रखें तो उसको पूरी तरह से ढक नहीं पाते। कायरालिटी का मतलब मैंने आपको बताया था हैंडेडनेस, जिस तरह से हमारे पास यहाँ एक हाथ है और ये इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज बनाने के लिए इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, मिरर इमेज बनानी है किसी चीज की तो यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दे, ये इसकी मिरर इमेज। अगर हम देखें और इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। वैसे मैंने तरीका बताया था, सीधा सीधा नहीं रखते हैं, उस वीडियो को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। खैर, इसको उठा के इस पे रखा तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, ऐसे कंपाउंड को हम डायसिमेट्रिक या काइरल कंपाउंड, क्या बोलते हैं, काइरल कंपाउंड। तो ये नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन थी टू कम फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव।
जो कंपाउंड ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। देखो इसमें कहीं कोई सिमेट्री है क्या, हाथ में कहीं कोई सिमेट्री है, नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को कायरल बोलते हैं, कायरल कंपाउंड, जो इन कंडीशंस को निभाएगा वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जाम्पल था लैक्टिक एसिड CCH3HOHCOOH। इस कंपाउंड में कहीं कोई सिमेट्री दिखाई नहीं पड़ रही। मैंने यहाँ मिरर बनाया, मिरर में इसकी इमेज बनाएंगे, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो मिरर के अबाउट, यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा दो CCH3, ऐसे घुमाया H यहाँ, OH यहाँ। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पॉसिबल है? आंसर है नो। मैंने तरीका बताया था कैसे करना है। क्या ये इसके ऊपर पूरी तरह से ढक पाएगा इसको? नहीं ढक पाएगा। H के नीचे CH3 आ रहा, OH के नीचे OH, पर CH3 के नीचे H आ रहा, तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये सारी बातें हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज दो नए कंपाउंड हो गए, दो अलग अलग कंपाउंड हो गए। एक को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक को बोलते हैं लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, लीवोरोटेटरी जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, लाइट को क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो क्लॉकवाइज घुमाएगा डेक्स्ट्रो, जो एंटी क्लॉकवाइज वो लीवो। और डायग्राम देख के नहीं कह सकते कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो, उसके लिए लैब में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसको बोल दो डेक्स्ट्रो और इसको बोल दो लीवो, ठीक है, रिलेटिव है कहानी, एक को डेक्स्ट्रो तो दूसरे को लीवो। मिरर इमेज, इन दोनों मिरर इमेजेस को हम इनैंशियोमर्स भी बोलते थे। इनैंशियोमर्स यानी इनैंशियोमर्स, वो स्टीरियो आइसोमर्स, वो स्पेस वाले आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो। इनैंशियोमर्स वो मिरर इमेजेस जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, उसमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। इनैंशियोमर्स क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ आइसोमर्स। इनैंशियोमर इज अ पेयर ऑफ आइसोमर्स जिसमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए, एक, ध्यान से समझना बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, एक क्लॉकवाइज घुमाए एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दो कंपाउंड को इनैंशियोमर्स। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। शायद एक बात हमने और की थी, क्या मैं इसको मिटा लूं? ओके, शायद हमने एक बात आपसे और की थी कि यदि कंपाउंड में एक काइरल सेंटर है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक काइरल सेंटर, अब काइरल सेंटर और काइरेलिटी अलग अलग चीज है। काइरल सेंटर मतलब ऐसा सेंटर, सेंटर जैसे यहां पे ये सेंटर, ऐसा सेंटर जिसके पास चार सिग्मा बॉन्ड हो, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जैसे इस कार्बन पास 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ऑल फोर वैलेंसीज हैव डिफरेंट ग्रुप्स, चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। यहाँ CH3 लगा, यहाँ OH लगा, यहाँ H लगा, यहाँ COH। ऑल फोर वैलेंसीज मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसे सेंटर्स को हम काइरल सेंटर बोलते हैं। अगर कंपाउंड में एक काइरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर काइरल सेंटर और काइरेलिटी अलग अलग बातें। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आंसर होगा बोलो यस। इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, चार सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
चारों ग्रुप अलग, यानी ये एक काइरल सेंटर है और काइरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव। पर एक काइरल सेंटर में ही ये बात कह सकते हो, एक से ज्यादा में ये बात ट्रू नहीं है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में मैंने की, बट काइरल सेंटर का होना 100% श्योरिटी नहीं देता, 100% श्योरिटी नहीं देता। एक काइरल सेंटर है तो ठीक है, अगर दो काइरल सेंटर हैं तो हम श्योर नहीं हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। सो कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन अभी भी वही है कि कंपाउंड डायसिमेट्रिक हो या कंपाउंड काइरल कंपाउंड हो। काइरल सेंटर और काइरल कंपाउंड अलग अलग बातें हैं। हाँ, तो इतनी बातें हमने की थी, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट हमने रिवीजन किया, अब हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर पे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है डायसिमेट्री, काइरालिटी, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से एकदम लिखेंगे, वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास हो डायसिमेट्री, जिनके पास हो काइरालिटी, जो हो नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। ये कंडीशन है। इसमें एक इत्तेफाक था कि एक काइरल सेंटर वाले लोग ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक, मतलब अभी आपसे हम पूछें ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप बिना वो सब सोचे सीधा देखो क्या ये काइरल सेंटर है। नहीं है, एक कार्बन है, चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सीधा। एक कार्बन का डिसीजन लेने के लिए हमें ये सब चेक नहीं करना है। एक कार्बन में डिसीजन लेना है तो सिंपल देख लो, कार्बन की चार वैलेंसी डिफरेंट हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। जैसे मैं पूछूं COOH OH HOH, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? आंसर है नहीं होगा, दो वैलेंसीज सेम हो गई। जैसे मैं पूछूं CCBRCLCC, क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन, इससे तीन हाइड्रोजन, इससे दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, 1 2 3 4, सो इट इज अ काइरल कार्बन, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जब तक एक कार्बन की बात है तब तक कहानी आसान थी, पर अगर दो काइरल सेंटर है तो कहानी डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं COOH COOH OH H OH H कार्बन कार्बन, यहां देखो दो काइरल कार्बन है, ये कार्बन काइरल है, एक तरफ COOH, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ग्रुप। ये कार्बन काइरल है, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COH, एक तरफ ग्रुप। दिस कंपाउंड हैज टू काइरल कार्बन, पर देखा गया ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। इसीलिए मैं पिछले लेक्चर में बार बार बोला कि एक काइरल कार्बन पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की गारंटी है, दो पे नहीं है। तो दो के लिए क्या करें, वापस जाएंगे रियलिटी पे, डायसिमेट्री, काइरलिटी, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। डायसिमेट्री मतलब कंपाउंड के पास सिमेट्री ना हो, कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब शो करेगा जब उसमें डायसिमेट्री हो, मतलब उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। क्या क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। इसके सिवा एक और है,
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि सिलेबस में नहीं है वो भी ना हो, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो भी ना हो। इसके बाद एक और है, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो हो सकती है, हो सकती है, इससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नॉट इन सिलेबस, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो यह बोल देना कि कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री ना हो गलत है, इसलिए मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कोई भी सिमेट्री ना हो। मैंने लिखा डायसिमेट्री हो, डायसिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, जो कि सिलेबस में नहीं है तो इसको तो भूल जाओ। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो ही बातें चेक करनी है, कंपाउंड में POS ना हो, कंपाउंड में COS ना हो। अगर ये दोनों कंडीशन कंपाउंड सेटिस्फाई करे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ये सिलेबस में नहीं और ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अगर ये दोनों चीज कंपाउंड में नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी समझेंगे क्या ये, तो कंपाउंड काइरल कंपाउंड हो जाएगा। काइरल कार्बन तो ऐसी एक खानी थी कि एक कार्बन के लिए काइरल कंपाउंड हो जाएगा, डायसिमेट्रिक हो जाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। नोट करेंगे इतनी बात, फिर बात करेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की, बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सिलेबस में नहीं पढ़ना नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट, हम बोलेंगे डाइसिमेट्रिक हो। जैसे कई लोग बोलते हैं असिमेट्रिक, कंडीशन में लिखते हैं असिमेट्रिक, कई लोग लिखे हैं किताबों में लिखे हैं, मतलब टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं आजकल, असिमेट्रिक गलत है, डाइसिमेट्रिक, असिमेट्रिक का मतलब इसमें से कुछ भी ना हो, कंफ्यूज हो रहा है, असिमेट्रिक का मतलब इसमें से कुछ भी ना हो, पर डाइसिमेट्री ये हो भी सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। असिमेट्रिक मतलब चारों ना हो तो वो कंडीशन गलत है। डाइसिमेट्री COS ना हो, POS ना हो, बस ये याद रखो अपने सिलेबस के लिए, COS ना हो, POS ना हो, खत्म, मैं सारी बातें मिटा रहा हूं। किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। चलिए मेरा क्वेश्चन, क्या मिथेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आंसर तो सीधा नो है, क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और चार वैलेंसी डिफरेंट है। आप बोलोगे भाई एक कार्बन चार वैलेंसी डिफरेंट नहीं शो करेगा। अब काइरल कार्बन को भूल जाते हैं, अब काइरल कार्बन वाले कंसेप्ट को भूल जाते हैं, आज रियल कंसेप्ट पे चलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिनके पास ये नहीं होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे आते हैं, अब काइरल को भूल जाओ, काइरल के हिसाब से तो ये नहीं शो करेगा, हमें पता है काइरल नहीं है, नो काइरल कार्बन। आइए रियलिटी देखते हैं कि एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता, हमें पता है ये शो नहीं करता, आज हम पूछ रहे हैं ये क्यों नहीं शो करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्यों नहीं शो करता। तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा, टेट्राहेड्रल, मैं बनाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, एक हाइड्रोजन प्लेन के पीछे, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डैश, डैश जाता है प्लेन के अंदर, वेज आता है प्लेन के बाहर, एक हाइड्रोजन ऊपर एक इधर, ये दोनों इस प्लेन में हैं बोर्ड के, दीज टू हाइड्रोजन आर इन द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड, ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा, ये हाइड्रोजन अंदर, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोच के बोलो, सोच के बोलो, बिल्कुल है। ये देखो ये बाहर आ रहा ये अंदर, ऐसे अगर मैं ऐसा एक प्लेन लूं, अगर मैं ऐसा एक प्लेन लूं तो वो इसको प्रॉपर यहां से काटेगा, तो आप देखो ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम बराबर होगा, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टार्ट करें, जैसे मान लो हमने बोला हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा दें, एक मॉलिक्यूल है ए, क्या ए में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये रहा ऐसा प्लेन
जो मॉलिक्यूल को बराबर हिस्से में काट दे। क्या बी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये रहा नॉर्मल बी, वाला नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, है ना, नॉर्मली नॉर्मल बी कि दोनों तरफ बराबर है। क्या सी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या डी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या पी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या जेड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा प्लेन जिसके ऊपर नीचे या राइट और लेफ्ट में कंपाउंड इक्वल हिस्से में दिखे, एकदम आइडेंटिकल दिखे। जैसे मैं पूछूं क्या आर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आंसर है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिन कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइए वापस यहां पे, अब मैंने पूछा मीथेन के बारे, मैंने कहा ये नहीं शो करता। क्यों नहीं करता? ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये बीच से कटता हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन अंदर एक बाहर, अगर मैं ये प्लेन लू, ये वाला प्लेन लू, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन, नीचे भी आइडेंटिकल, तो इट हैज व्हाट, अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर दिख सकते हैं। आपको ये एक पकड़ लो, आपको एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आया तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ओके? अच्छा चलिए, कंपाउंड चेंज समझ में आया। अच्छा एक प्लेन ऐसे भी देख सकते थे, देखो ये दोनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में थे, ये बाहर आता हुआ ये अंदर जाता हुआ, और दो ऐसे हैं ये प्लेन में। अगर मैं एक प्लेन व्हाइट बोर्ड के प्लेन वाला ही ऐसे ले लूं, दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के काटता हुआ और उन दोनों हाइड्रोजन के बीच से निकलता हुआ, थोड़ा इमेजिन करना है 3D में, इन दोनों हाइड्रोजन को काटता हुआ और एक हाइड्रोजन अंदर एक बाहर, ऐसे खचक, ऐसे खचक, एक बाहर एक अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के होने की वजह से CH4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए हैं, ऐसा प्लेन जो कंपाउंड को दो इक्वल आइडेंटिकल हिस्सों में काटे। जैसे दूसरा अमन क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मेरे पास CH3Cl है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, है ना, क्योंकि दो हाइड्रोजन लगे हैं, आप भी समझ गए हो, काइरल नहीं है, नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा ये देखते हैं, CCl प्लेन से पीछे लगा दिया, Cl कहीं भी लगा सकता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये क्यों नहीं शो करेगा? Cl प्लेन से इधर, हाइड्रोजन इधर, और दो हाइड्रोजन एक ऐसे एक ऐसे, देखो दो वर्टिकल प्लेन में दो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आई रिपीट, दो ऐसे वर्टिकल प्लेन में वैलेंसी, दो हॉरिजॉन्टल में बाहर। अगर मैं एक प्लेन ऐसे काटूं, ये बाहर आता हुआ ये अंदर, एक प्लेन ऐसे काटूं तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, मतलब इस कंपाउंड के पास भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जिसके पास मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, छप जाएगा अपनी मिरर इमेज पे। चलो मान लो मैं अगला कंपाउंड ले लूं CH2Cl2, तो आपको पता है नहीं करेगा क्योंकि दो दो ग्रुप सिमिलर हैं। जरा बना के देखो, इसमें सिमेट्री के एलिमेंट हैं क्या, Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? ये वाले प्लेन से काटेंगे, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, तो इसके पास भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो शो नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन और कम कर दूं, CHCl3, ये तो समझ ही गए होगे, जैसे CH3Cl था,
जैसे CH3Cl था वैसे ही, मान लो ये कंपाउंड हमको दिया, पूछा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो लगाने की बात है, Cl कहीं भी लगा सकता हूँ मैं, किसी भी पोजिशन पर आप ClCl फिक्स कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ लगा के ClCl ऐसे लगाने की बात है। अब देखो अगर मैं एक प्लेन लूँ ऐसे ऐसे काटता हुआ, तो ऊपर Cl नीचे Cl, ये वाला प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं CCl4, तब यहाँ भी क्लोरीन हो जाएगा, अब ये प्लेन भी हो जाएगा और ये वाला प्लेन भी हो जाएगा ऐसे कच्चक। वैसे इसमें भी 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हम सब इमेजिन नहीं कर पाएंगे बिना इसके 3D मॉडल के। तो आप ये समझ रहे हो कि अगर सिंगल कार्बन के पास कोई भी दो ग्रुप सिमिलर हो जाता है, अगर सिंगल कार्बन के पास कोई भी दो ग्रुप सिमिलर हो जाता है, तो उसके बाद ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे ऐसे प्लेन काट देंगे, ये देखो Cl अंदर जाता हुआ, ये Br बाहर आता हुआ, ये ऐसे काटोगे, एक H ऊपर एक नीचे, पूरी तरह से इसके अंदर क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यही बात हम पिछले लेक्चर में कायरल कार्बन से बार बार बोल रहे थे। तो अभी आपको समझ में आया कि जहां होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लें साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, 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 कितने ढेर सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और होगा, तुम्हें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री ये नहीं देखना है, ये हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन सबके नीचे नीचे भी होगा, ठीक है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला, ऐसे काटो ऊपर सबके हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे, तो 6+1 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। खैर अपन को एक भी दिख जाए तो खेल खत्म, अपन को 6-7 ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली इन एक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये नहीं घुमाएगा। जैसे मैं पूछूं, ये एग्जांपल है मेरे पास, साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं, ये रहा साइक्लोब्यूटेन, पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया, साइक्लोब्यूटेन, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अरे बनाते जाओ, वो नहीं है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर ऐसे इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो एनी वेज इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको दे दूं मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? तो आंसर है नहीं करेगा, इसमें ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। कई लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे सर, वो ग्रुप कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएगा? देखें, जहां कंफ्यूजन हो पूछें और देखें, कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन प्लेन के पीछे, एक बाहर आता हुआ, एक अंदर जाता हुआ, एक ऐसे, ये बन गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नोट कर लिया, इतना मिटा दें, देखते हैं जाएं अब एग्जांपल्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में काट दे, मान लीजिए 1.2 डाइमिथाइल, 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात की, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, इसके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। 1.4 डाइमिथाइल, 1.4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, इसके पास भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ये शो करेगा ना। जितनी बनाना हो बनाओ, एक भी मिल गई तो शो नहीं करेगा।
एक भी प्लेन जैसे 1, 3 1, 3 क्या ये शो करेगा नहीं करेगा, इसके पास भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया 1, 2 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और थोड़ा सा इसमें अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डालते हैं, सिस फॉर्म लेते हैं इसका। सिस फॉर्म समझते हैं जब दोनों मिथाइल सेम साइड हो। सो 1-methyl, 2-methyl ये बात हो रही, 1, 2 और सिस फॉर्म तो दोनों एक साइड है, वरना एक ऊपर एक नीचे दिखाते। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, इसके पास भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा अगर हम लें ट्रांस 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये सिस फॉर्म था इसका ट्रांसफॉर्म, ट्रांस में एक मिथाइल ग्रुप ऊपर एक मिथाइल ग्रुप नीचे, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ ये करेगा, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई पड़ रही, और हम आपसे बोल देते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दोनों में से कोई एक भी निकल जाए, दोनों में से कोई एक भी निकल जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको दिख रही है, नहीं कट रहा कहीं से बराबर से, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, हम आपको बताते हैं। तो इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको मिरर के सामने रखोगे तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, इसकी मिरर इमेज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। इसको डी बोलेंगे, उसको एल, या उसको डी इसको एल बोल सकते हैं। इन दोनों पेयर को इनेंशियोमर्स कह सकते हैं। क्लियर? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कंपाउंड डायसिमेट्रिक है, ये कंपाउंड डायसिमेट्रिक है, डायसिमेट्रिक है। क्लियर है? डायसिमेट्रिक है। मिटा दें? ओके। तब आप समझ गए हो कि काइरल कार्बन होना कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, असली कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना, सेंटर ऑफ सिमेट्री का ना होना। जैसे मैं आपको ये कंपाउंड दूं, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी फिर करता हूं। पहले बताओ इसमें कोई काइरल कार्बन है या नहीं? इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन को टेस्ट करो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH, एक तरफ चलते हुए CH3, एक तरफ चलते हुए OH, वो भी एक कार्बन के बाद। मतलब इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक तरफ हाइड्रोजन OH, एक तरफ साइक्लिक में CH3, एक तरफ साइक्लिक में, दिस इज अ काइरल कार्बन। उसी तरह से ये भी काइरल कार्बन है, एक तरफ C से CH3, एक तरफ C से OH, एक तरफ H, एक तरफ। ये वाला काइरल नहीं है, एक CH3, एक H, इधर C से OH, इधर C से OH, दो ग्रुप सेम हो गए। बट दिस कंपाउंड हैज टू काइरल कार्बन। सवाल है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? उत्तर है नहीं करेगा। दो काइरल कार्बन होने से एक होता तो गारंटीड होता, दो में गारंटी नहीं है। और ध्यान से देखो तो आपको भी समझ में आ रहा है, इसके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी काइरल कार्बन होना बड़ी कंडीशन नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का ना होना बड़ी कंडीशन है। अब याद रहेगा, एक काइरल कार्बन हो तो ठीक है, दो में हमेशा चेक करना पड़ेगा POS और COS। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई। चलिए मान लीजिए हमसे कहता है, आगे देखें, 1, 3 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और मैं इसके आगे लिख देता हूं सिस। सिस 1, 3
डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये रहा साइक्लोब्यूटेन, 1, 2, 3 सिस है तो दोनों सेम साइड। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि ये मिल रही है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मिल गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल गया, डाइसिमेट्रिक नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। ट्रांस 1, 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, अब इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे, CH3 और ये वाला नीचे बना लूंगा CH3, ये ऊपर की तरफ प्लेन से, प्लेन से नीचे। क्या इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब इसको मत बोलना, क्योंकि इस तरफ से CH3 ऊपर दिखेगा, इस तरफ से नीचे। तो दिस कंपाउंड हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए, पर इस कंपाउंड में है यस सेंटर ऑफ सिमेट्री। थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, फिर समझेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना दिखते ही तुरंत मत बोलना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वेट करना सेंटर ऑफ सिमेट्री का। आइए तो अब हम समझते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर इस एग्जांपल पे फिर आएंगे, थोड़ी देर रुको। सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा सेंटर हो कंपाउंड में जहां से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो, जहां से अपोजिट डायरेक्शन में चलने में इक्वल डिस्टेंस चलने में सेम ग्रुप प्राप्त हो, जहां से अपोजिट डायरेक्शन चलने में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो, ऐसे सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल के लिए मैं आपको ट्रांसब्यूट टू इन दिखा रहा, देखें इसको ध्यान से। यहां से इधर चले तो सी, इधर चले तो सी, बराबर डिस्टेंस पे, ऊपर इधर चले CH3, अपोजिट डायरेक्शन में इधर चले CH3, इस तरफ चले H, अपोजिट डायरेक्शन में चले H, यानी इस कंपाउंड में है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ट्रांस ब्यूट टू इन हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, है ना, ये प्लेनर मॉलिक, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, सी डबल बॉन्ड सी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर, HCH3, यानी ये सब एक प्लेन में है, पहली बात तो ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये प्लेन ही देख लो, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ऐसे कचक, अच्छा CH3 ऊपर लगाना है, ये प्लेन ही हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कचक, मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं इसको, ये कचक। एनीवेज अभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी दिख रहा तो टेंशन की बात नहीं, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई, ये भी था मॉलिक्यूलर प्लेन, ये सब एक प्लेन में होगा ना, sp2 ट्रायंगुलर प्लेन है, सब प्लेन प्लेन, जो बोल रहा हूं 100% करेक्ट, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूलर प्लेन से कटता हुआ। खैर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे अच्छा सिस ब्यूटीन की बात करें, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 H, ये क्या हो गया सिस ब्यूट टू इन, थोड़ी सी बात करते हैं, क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है बताइए, क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इस तरफ CH3, इस तरफ CH3 नहीं मिल रहा, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको दिख रहा है, ये वाला प्लेन काट दो, सो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्यारे बच्चों शो नहीं करता। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में बहुत खूबसूरत सा
कोई प्यारा सा सुंदर सा रे रे आजा, ये ले लो CH थ्री, फेमस एग्जाम्पल सभी किताबों में दिया हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ सी, ए रे आ जा रे, मान लो ये कंपाउंड हमको दिया और पूछा कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले जरा ढूंढो, देखने में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा पर ये है नहीं, क्योंकि जब काटोगे तो इधर ऊपर CH3 इधर नीचे H परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं है, तो इस कंपाउंड में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। चेक करो क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सोचो, बिल्कुल है, ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां से इधर चले C डबल बॉन्ड O, इधर चले C डबल बॉन्ड O, इधर चले O, इधर चले O, इधर चले C, इधर चले C, इधर चले CH3, इधर अपोजिट में चले CH3, बढ़िया सेंटर ऑफ सिमेट्री। इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम ग्रुप या सेम एटम हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमारा फंसा था, ट्रांस 1.3 क्या था, डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसी की बात कर रहे थे, एक इधर सही है। ट्रांस 1.3, यहां हाइड्रोजन लगा ले, यहां हाइड्रोजन लगा ले, 1.3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, ऐसे काटोगे तो प्लेन नहीं, एक CH3 ऊपर एक नीचे, सो नो POS, पर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो जरा, यहां से ऊपर की तरफ जाने पे CH3, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाने पे CH3, 3D में समझना पड़ेगा, ये है एक CH3 ऊपर, इधर गए x डिस्टेंस पे CH3, इधर गए x डिस्टेंस पे CH3, अगर ये CH3 ऊपर होता तब सेंटर ऑफ सिमेट्री, तब अपोजिट कैसे होता, एक बार इधर ऊपर जाते, एक बार इधर ऊपर जाते, जूम 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 जूम, ये अपोजिट थोड़ा, अपोजिट मतलब सेंटर से एक बार इधर गए, एक बार सेंटर से इधर गए, सो दिस कंपाउंड हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। बाकी भी चेक कर लो, ये नहीं कि एक ही, हर डायरेक्शन में, इधर नीचे हाइड्रोजन, इधर ऊपर हाइड्रोजन, बाकी तो सब में हाइड्रोजन है ही अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस कंपाउंड हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे मान लो एक ये कंपाउंड भी हमसे पूछा जाता है, बना के पूछूंगा मैं, ठीक है, COOH COOH CH3, इसको नीचे बनाता हूँ, CH3 CH3, क्या इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ध्यान से, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ऐसे काटोगे तो नहीं, ऐसे काटोगे तो भी नहीं, ऐसे काटोगे तो भी नहीं, पर इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऊपर चले CH3 अपोजिट डायरेक्शन में नीचे CH3, ऊपर COH अपोजिट डायरेक्शन में नीचे COH, इज एट सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्यारे बच्चों शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो कंपाउंड में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या दोनों हो तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। चलिए खूबसूरत सा एग्जांपल, CH3 CBr CBr CH3 H H, इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है पहले ये बताओ, ये कार्बन कायरल हुआ, चारों वैलेंसीज डिफरेंट CH3 HBr, ये कंपाउंड कायरल हुआ, ये कार्बन इधर हाइड्रोजन Br CH3 ऊपर भी, यानी इट हैज टू कायरल कार्बन्स, पर कायरल कार्बन होने के बाद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
शो नहीं करेगा. रीजन आप समझ गए होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये रहा, ये देखो ऐसा प्लेन जो इसको बराबर से काट रहा, इसके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो यही मैं पिछले लेक्चर में बार बार बताना चाह रहा था कि एक काइरल कार्बन में तो गारंटी होती है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, डायसिमेट्रिक होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. पर दो काइरल कार्बन में गारंटी नहीं होती. ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं. मीजो कंपाउंड, कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे आते रहेंगे बीच बीच में, मीजो कंपाउंड बोलते हैं. हम बोलते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, याद रखो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन मतलब ऊपर वाला मान लो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नीचे वाला पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. इंटरनल अंदर ही अंदर कंपनसेट हो गया, ऊपर वाले ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया, नीचे वाले ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ओवरऑल लाइट नहीं घूमी, है ना. मान सकते हो ऊपर वाला डी फॉर्म, नीचे वाला एल फॉर्म, दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट थे, एक ने लाइट को क्लॉकवाइज, एक ने एंटी क्लॉकवाइज, ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. क्लियर है? जरा मैं इसी का एक दूसरा आइसोमर बनाता हूं, स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रखना होता है, मतलब बॉन्ड वॉन्ड चेंज नहीं कर सकते. इसका मैं दूसरा आइसोमर बनाता हूं. प्यारे बच्चों इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या इसके पास कोई COS या POS है, क्या इसके पास कोई COS या POS है? नहीं है, ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस कंपाउंड पे. अब इस पे क्योंकि ना ही कोई COS ना ही कोई POS, नो POS नो COS, ऐसा होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी इसकी मिरर इमेज इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी. मिरर इमेज बनाइए, CH3 CH3 इधर H, इधर Br, इधर Br, इधर H. ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं, ये हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होंगे. आप सोच रहे होगे ये भी अपनी इमेज पे नहीं होगा, करने का तरीका कुछ अलग है, पिछले वीडियो में बताया, उसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं इसको बोल दूं फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड और इसको बोल दूं थर्ड, बड़ा एक प्यारा सवाल आपसे पूछने वाला हूं मैं. फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में मिल गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड थर्ड में कुछ नहीं मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रहा है पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसा सीधा सीधा नहीं होगा, एक एक यहां से ब्रोमीन बाहर और एक CH3 अंदर जाता हुआ, है ना, या तो एक ब्रोमीन बाहर हाइड्रोजन अंदर जाता हुआ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर नहीं होगा. अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि सेकेंड और थर्ड क्या है, आखिर क्या रिश्ता है सेकेंड और थर्ड का. तो पहली बात तो सेकेंड और थर्ड स्टीरियो आइसोमर्स हैं. बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्पेस में कन्फिगरेशन अलग अलग हो, हैं वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते थे.
क्या सेकेंड और थर्ड मिरर इमेजेस हैं? बिल्कुल है. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यस मिरर इमेजेस. जो स्टीरियो आइसोमर्स आपस में मिरर इमेज हो जाएं, उनको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं. बाकी कंडीशन भी अंदर है इनेंशियोमर्स के कि दोनों को लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल. सवाल तो बढ़िया ये है कि फर्स्ट और सेकेंड क्या है. फर्स्ट और सेकेंड, तो आंसर है कि फर्स्ट और सेकेंड भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं. स्पेस में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो स्टीरियो आइसोमर, वरना स्ट्रक्चरल बनते. पर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, नॉन मिरर इमेज. ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, आई रिपीट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से अब जो बता रहा हूं उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे स्टीरियो, स्टीरियो मतलब स्पेस वाले, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं हो उनको हम बोलते हैं डाया स्टीरियोमर्स. नोट करें, डाया स्टीरियोमर्स. जैसे फर्स्ट एंड थर्ड क्या आइसोमर्स हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अलग नहीं है भाई साहब, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है. ब्रोमीन घूम के इधर स्पेस में है, ये सी अभी भी बीआर से जुड़ा है, सी एच सी बीआर से एच सी, स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है. तो फर्स्ट और थर्ड हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स, पर एक दूसरे की मिरर इमेज तो कहीं से नहीं है, तो वो भी क्या बन जाएंगे? डाया स्टीरियोमर्स. डाया स्टीरियोमर्स का मतलब समझ में आ गया, नोट कर लें. ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, ऐसे स्पेस वाले आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो. क्लियर है? मीजो कंपाउंड समझ में आया? अंदर ही अंदर कंपनसेशन, अंदर ही अंदर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ऐसे ही एक खूबसूरत एग्जांपल है टार्टरिक एसिड का, जिसको डिस्कस किए बिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अधूरी रह जाएगी. COOH, COOH, OH, H, OH, H, COOH, OH, H, OH, H. अभी इसका एक और लेक्चर आएगा RS नॉमिनक्लेचर, वहां तो आप एकदम ही झूम जाओगे, है ना. ये DL क्योंकि कंफर्म नहीं, किसको D बोलें किसको L बोलें कंफर्म नहीं, RS कंफर्म होगा, RS सिखाएंगे अभी वो भी. अरे बहुत कुछ बाकी है इसमें, मैंने बोला था पहले लेक्चर में इसके चार लेक्चर बनाने पड़ेंगे कम से कम. COOH, इसको चेंज करते हैं OH, H और H, OH, OH, H, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. अब आप मुझे बताओ कौन से इनेंशियोमर हैं, कौन से डाया स्टीरियोमर्स और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इसमें आपको दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वैसे ही मीजो कंपाउंड है, इसको बोलेंगे मीजो टार्टरिक एसिड, है ना. यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन सब पे ध्यान से देखो तो दो कायरल कार्बन, इसमें भी दो कायरल कार्बन है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन वगैरह चल रहा. टू और थ्री को ध्यान से देखो तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. सुर खचक, है ना, ऐसे उठा के से रख दो. सो टू एंड थ्री आर व्हाट? इनेंशियोमर्स, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज. बहुत ध्यान से पढ़ना है, दोनों लेक्चर को एक दो बार रिपीट करके देख लो. नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज इनेंशियोमर्स. अब मैं आपसे वही सवाल, फर्स्ट सॉरी टू एंड थ्री का रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे इनेंशियोमर्स हैं. वन एंड टू का रिलेशन क्या है? वन एंड टू स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं पर मिरर इमेज नहीं है, तो क्या बोलेंगे? डाया स्टीरियो
आइसोमर्स। मैं पूछूं वन एंड थ्री का रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स की कंडीशंस लिख लो, स्टीरियो आइसोमर्स हो, मतलब स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम हो, और नॉन मिरर इमेज हो, मिरर इमेज ना हो, नॉन मिरर इमेज हो, और इनेंशियोमर स्टीरियो आइसोमर हो पर मिरर इमेज हो, वो भी नॉन सुपरइम्पोज्ड, मिरर इमेज होनी चाहिए इनेंशियोमर के लिए। अच्छा, अगर आप याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर होते हैं, बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं, ज्योमेट्रिकल वो भी डायस्टीरियोमर, जितने भी जी आई हैं सब डायस्टीरियोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके अंदर से आते थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, और वो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज होते थे, मिरर इमेज नहीं होते थे, नॉन मिरर इमेज, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स कोई नई चीज नहीं है, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे सब आपस में क्या थे, डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज। तो भाई साहब आज के लेक्चर में इतना ही, मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करें, इसके बाद मैं आरएस नोमेनक्लेचर का लेक्चर बनाऊंगा, अभी बहुत बाकी है इसके अंदर कहानियां, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए मिटा दूं इसे, लिख लिया है, ओके। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्वेश्चन आप बस कमेंट करिएगा विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, या ये बोल दें इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सवाल कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पूरे लेक्चर के बेसिस पे सवाल दूंगा, आप सिर्फ उनका कमेंट करना नंबर जो जो शो करेंगे। कायरल सेंटर होने ना होने से कोई फर्क नहीं, आपको बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। चलिए अब नंबर कमेंट करिएगा इनमें से कौन कौन हो सकता हो, चारों शो करें तो 1 2 3 4, दो शो करें तो 1 2, जैसे भी। तो अगला लेक्चर मैं लाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।